गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मटेरियल कोर्स आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 104, सब नंबर 90। तो सी फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलक्यूलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। तो सी वी आर आस्क ऑल दी डिटेल्स पर्टेनिंग टू अ मटेरियल, मोस्टली ऑल दी डिटेल्स आर कवर्ड इन दिस टॉपिक। चलो सबसे पहले हमें ईओक्यू फाइंड करना है, तो नाउ सी फॉर ईओक्यू वी आर गिवन एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट। So write down E. E is 9000 unit. Then cost per unit is given 20. So cost per unit means price. Price is given 20. एक्सपेंसिस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो ऑर्डर प्लेस करने का एक्सपेंस मीन्स फॉर ओ, तो ओ दिया है 100। एंड ऑर्डरिंग एक्सपेंस 25%, दैट इज कैरिंग एक्सपेंस, राइट। वहां पर थोड़ा करेक्शन कर दो, इट इज कैरिंग एक्सपेंस इज 25%। चलो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमें क्या होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। सो योर कैरिंग कॉस्ट इज 0.25। नाउ वी कैन फाइंड आउट ईओ। चलो राइट ऑफ द कॉस्ट फॉर्मूला ऑफ ईओ, तो ईओक्यू इक्वल्स टू 2AO अपॉन सी अंडर रूट, चलो 2 × 9000 × 100 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज 0.25, प्राइस इज 20, चलो 9000 × 2 = 18000 × 100, सो वी विल हैव 18 लाख। डिवाइड बाय 20 × 0.25, सो वी गेट 5। सो 36000 अंडर रूट, सो वी विल गेट ईओक्यू 600 यूनिट, सो 360,000। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 600 यूनिट। चलो देन वी आर आस्क्ड ऑर्डरिंग लेवल, चलो नंबर 2, मैक्सिमम
maximum delivery in Europe. So, see, maximum delivery period is given to us 45 days and maximum consumption is given to us in 9 particular 30 units. So, the 30 unit and delivery period is 45 days. So, 30 into 45. So, 45 days are 135. Minimum delivery period. So, ordering level number aaya 1350 units. Ab isme se deduct karna minimum consumption into minimum delivery period. See, minimum delivery period is not given. Let me just find out this here. Look at here. See, our maximum delivery period is 45. Average delivery period is 35. Now see, difference between these two is 10. So minimum period aayega 35 minus 10. That is 25. So minimum delivery period is 25 and minimum consumption 10 particular में दिया है 20 unit, तो 20 into 25 means 1350 minus 500 unit, so 850 unit. चलो minimum level हो गया, write it down. So average of these two, that is 25. So, yahan par aayega
का 25 into 35, सो 875। चलो 1350 - 875, सो मिनिमम लेवल विल बी 475। यू विल डू दी करेक्शन। चलो नाउ यहां पर ऑर्डरिंग लेवल इज 1350 - मिनिमम कंजम्पशन। सी मिनिमम कंजम्पशन इज 20 यूनिट इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 25 प्लस ईओक्यू। ईओक्यू बिना 600, तो 1350 - 500 प्लस 600, सो मैक्सिमम लेवल बिटवीन 1450 यूनिट। चलो हो गया। नाउ वी आर आस्क्ड एवरेज लेवल। तो देयर आर टू फॉर्मूलास फॉर एवरेज लेवल। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू। तो और मिनिमम लेवल इज 475 प्लस 1450 डिवाइड बाय टू, सो 1925 डिवाइड बाय टू, सो इट विल बी 962.5। अब यूनिट्स को कैसे नंबर लिख नहीं सकते, सो यू शुड राइट 963 यूनिट। चलो राइट इट डाउन। नाउ एवरेज लेवल, सॉरी डेंजर लेवल। चलो डेंजर लेवल की फॉर्मूला है नंबर 6। तो डेंजर लेवल इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड और इमरजेंसी ऑब्जेक्ट्स। चलो एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो नाउ सी और एवरेज कंजम्पशन है हमारा 25 यूनिट। चलो 25 इज अ एवरेज कंजम्पशन। अब इमरजेंसी परचेज का पीरियड दिया है एक पर्टिकुलर में, दैट इज 5 days, सो इनटू 5, सो 125 यूनिट। चलो राइट इट डाउन। थैंक यू।